नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके में। मैं आपका दोस्त आदित्य। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में दोस्तों भारत का भूगोल देंगे। भारत के भूगोल में दोस्तों आज से हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है। तो दोस्तों पृथ्वी जो है 23.5 अंश झुकी हुई है अपने अक्ष पर। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है। तो सौर मंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है, सबको पता है, पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। तो पांचवा। पहला किसका है, बृहस्पति का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है और इसका ध्रुवीय व्यास जो है वो 12,714 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है। तो पृथ्वी का जो एक चक्कर होता है वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में तय करती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं। तो यह परिक्रमण गति होती है, इसे साल होते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं। तो इसे सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है। तो 6 घंटे। कितना बढ़ जाता है, 6 घंटे। अगला है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। तो आकार और बनावट की दृष्टि से जो है पृथ्वी शुक्र के समान है और इसीलिए इसको पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। किसको, शुक्र को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह पानी की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है। तो यह जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह सबको पता है, चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। इसे सेनोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सेनोनोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं। तो उन्हें शांति सागर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है। तो जीवाश्म ग्रह भी चंद्रमा को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है। दोस्तों चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी के कारण चमकता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है। तो समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह जो है वो है अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात जो है 11:5 में होना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पाए जाने वाली चट्टानों में किन धातु की मात्रा सबसे अधिक है। तो वो है टाइटेनियम। अगला है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा का जो भाग है वो 57% दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है। तो 27 दिन 8 घंटे में करता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो ये दोस्तों है लीबनिट्स पर्वत। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले जो यात्री थे वो थे नील आर्मस्ट्रांग और एडिल्ट एडविन। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो 21 जुलाई 1969 में। चंद्रमा और पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान में गए थे? तो यह जो यान था वह अपोलो 11 था। ठीक है दोस्तों, प्रकाश चक्र क्या है? प्रकाश चक्र मतलब वह ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूर्व, मतलब पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घवृत्तीय कहते हैं, दीर्घवृत्त कहते हैं, दीर्घवृत्तीय कहते हैं। अगला, एपसाइड रेखा क्या है? तो उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एपसाइड रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। अपसौरिक क्या है? तो जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या है? यह ग्लोबल पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, इसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देशांतर क्या है? तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों, देशांतर रेखाओं के आधार पर किसी जगह का जो समय होता है वो ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? तो यह गोरे। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? तो पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है दोस्तों पूर्णिमा की रात को होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो 1 देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आर्कटिक सागर, चूकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो भारत, चीन, म्यांमार से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्यम समय कितने डिग्री देशांतर पर होता है? तो ये 0 डिग्री देशांतर पर होता है।